आज कांग्रेस एनसी गठबंधन के विधायक दल की बैठक है। उमर अब्दुल्ला गठबंधन विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और शाम तक सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। उमर अब्दुल्ला गठबंधन विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। कांग्रेस एनसी गठबंधन के विधायक दल की पूरी बैठक है जिसमें आज शाम तक सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं उमर अब्दुल्ला। ये बैठक कांग्रेस एनसी गठबंधन की होने वाली है आज, जिसमें गठबंधन विधायक दल के नेता चुने जाएंगे उमर अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक में उमर अब्दुल्ला को नेता चुना जाना औपचारिकता ही था, दूसरा कोई दावेदार ही नहीं था। रस्म अदायगी के बाद पार्टी के फैसले का ऐलान हुआ। उमर के नेता चुने जाते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नंबर भी बढ़ गए। उमर ने कहा था 5 से 6 निर्दलीय उनके साथ आ सकते हैं, इनमें से 2 विधायक आज उनसे मिलने भी पहुंचे। 100% इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, कोई सेकंड थॉट नहीं है। इंशाल्लाह उसने उमर साहब चीफ मिनिस्टर बने। देखेंगे अभी 2-4 निर्दलीय आ रहे हैं, इंशाल्लाह होपफुली वो ज्वाइन करेंगे। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहे हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। यानी बहुत मुमकिन है नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद ही बहुमत जुटा ले और उसे कांग्रेस पर निर्भर ना रहना पड़े। 90 सदस्यों की जम्मू कश्मीर विधानसभा में बहुमत का नंबर 46 है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 42 और कांग्रेस के 6 विधायक चुने गए हैं, वहीं 8 निर्दलीय जीते हैं। सीपीएम और आम आदमी पार्टी के 1-1 सदस्य हैं। वैसे ये दोनों पार्टियां भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। 29 विधायकों के साथ बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी होगी। पीडीपी के 3 विधायक भी विपक्ष में होंगे। अब बात उन चुनौतियों की जो मुख्यमंत्री बनने के बाद उमर अब्दुल्ला के सामने होंगी। अब्दुल्ला प्रदेश के नहीं केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पहली चुनौती पूर्ण राज्य का दर्जा वापस हासिल करने की होगी। दूसरी चुनौती स्वीकारना होगा कि 370 की बहाली नहीं हो सकती। तीसरी चुनौती अलगाववाद को सियासी शह मिलने से रोकना होगा। चौथी चुनौती केंद्र सरकार के साथ टकराव के रास्ते से बचना होगा। और इनमें से एक भी चुनौती से उमर अब्दुल्ला चूके तो 5 साल उसी तनाव के हालात रह सकते हैं जो केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच पिछले कई साल से हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।